अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक है। और मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार उतरता था और चढ़ता था। और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद जो है ना वीडियो बनाना शुरू किया है आज का व्लॉग। मैंने कहा चलो आज तबीयत थोड़ी बेहतर है तो क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए। स्टाइल शालो करो। और काम भी मुझसे कल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो चार दिन से ऐसे कराची में एकदम से गर्मी होना शुरू हुई है ना, तो ये शायद गर्मी का ही था। बुखार, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था। तो ये सारा काम मैंने अभी किया है खुद। कपड़े भी धोए, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। तो खाना भी मैंने सुबह में ही बना लिया, दाल। हस्बैंड जी जो हैं वो आते हैं बहुत ही लेट, 2 बजे रात को। तो सुबह में फिर मैं बना देती हूँ खाना ताकि वो दोपहर में उनको कोई मुश्किल ना हो। बाबू जो है वो सो रहा है। बाबू बहुत तंग करता है। वो यहाँ लगी थी मुझे ड्रिप। तो ये कपड़े मैंने निकाले हैं, इसका करने लगी हूँ मैं प्रेस। और तबीयत जब साथ ना दे तो कुछ भी इंसान का दिल नहीं करता कि वो काम करे, वीडियो बनाए। और आपको पता है कि मैं ही खुद व्लॉग बनाती हूँ और अपलोड भी खुद ही करना होता है, एडिटिंग करना, घर देखना, बच्चों को देखना। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, सुनाया तो बहुत ही ज़्यादा भगाती है अपने पीछे। तो थक सी जाती हूँ मैं बहुत सारे काम करके। बच्चों के साथ इंसान थक जाता है। तो आज मेरी शुक्र है खुदा का तबीयत ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि ना आज मैं भी बना लेती हूँ। तो अभी ही मैं फारिग हुई हूँ, बच्चों को नहाया, खुद भी नहाई हूँ। और मेडिसिन वगैरह मैं खा रही थी लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क नहीं था पड़ रहा मुझे। जब तक मेडिसिन का असर रहता था तो बुखार ठीक था। जैसे ही असर उसका ख़त्म, बुखार फिर होना शुरू। सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी मुझे और जिसम के अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी सी मुझे महसूस हो रही थी और मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा लो था। तो मुझे कल ही ड्रिप लगी है। तो कल भी जो है ना मैं नहीं, तबीयत साथ नहीं दे रही थी मेरी, बहुत ज़्यादा तबीयत आउट ही हो गई थी मेरी। बच्चों को भी साथ देखना, जब छोटे बच्चे होते हैं वो माँ को बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं जब माँ की तबीयत ख़राब होती है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं बच्चे मेरे। हर कोई, हर बच्चा परेशान हो जाता है कि माँ को पता नहीं क्या हो गया। मेडिसिन मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, मेडिसिन से जो है ना मेरी जान जाती है। इतनी सारी दवाइयाँ ये देखो ना, ये सारी दवाइयाँ ही हैं मेरी। और भी हैं दवाइयाँ जो है ना, मैं एक ही खुराक अगर खाती हूँ ना दूसरी हिम्मत ही नहीं होती। दूसरी ऐसा लगता है जैसे मैं खाऊंगी मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। मुझे मेडिसिन जो है ना, क्या कहना चाहिए कि राज नहीं है, मैं दवाइयाँ नहीं इतनी खा सकती। इंजेक्शन वगैरह मैं लगवा लेती हूँ, ड्रिप भी नहीं लगवाती थी पहले। अब जब से शादी हुई है तो मुझे 1-2 दफ़ा लगी है बस। तो ये जो है ना मेरी समझ से बाहर है दवाइयाँ। पैनाडोल जो है ना, अगर बुखार हो ज़्यादा तेज़ तो खाती हूँ, नहीं तो ये मैं पैनाडोल भी नहीं लेती। मेरे तो हस्बैंड कहते हैं ये 2 खाया करो, मैं तो एक ही खाती हूँ। चाहे 103 बुखार है मुझे तो चाहे 102 है, तो मैंने इसको एक ही खाना है। तो ये देखें, ये तो मैंने खाई नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इनकी स्मेल जो है ना ऐसी होती, दिमाग को चढ़ जाती है मेरे। तो ये समझो ये फालतू ही है। ये जो है ना पैनाडोल और ये भी बुखार की, ये तो हम रख लेंगे। ये जो है ना मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी वापस मेडिकल वालों को दे दो, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। और एक और चीज़ मैंने ली है अपने लिए, फेशियल, ये मैंने ली है अपने लिए किट फेशियल VLCC। इसका जो है रिज़ल्ट
बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है। इसको एक हाथ से खोल के और दिखाती हूँ आपको। ये मेरे हस्बैंड ना काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि तुम ना ले लो अपने लिए, स्किन मेरी काफ़ी ख़राब है ना, तो मैं बस बगर्जी अच्छा ले लूँगी। एक तो इसकी पैकिंग इतनी अच्छी है और दूसरा इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। ये आप भी इस्तेमाल करें, आपको पता चलेगा। ना करो स्ताइश, नहीं निकालो, आपको भी पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये हर स्किन के लिए है, इसमें गोल्ड में मिलता है, पर्ल में मिलता है, और उठाओ नीचे से, ये सिल्वर में है, और हर स्किन के हिसाब से ये मिलता है। फेशियल हमारे पॉलर्स में भी ना अक्सर मतलब ये यूज़ होता था, एक ये और एक जेंसन का, तो मुझे जो है ना ज़्यादा ये पसंद है, और एक डर्मा का लगाओ इसमें। तो इसके जब मैं करूँगी तो फिर ही आपको दिखाऊँगी अपने फेस पे कि कैसा रिज़ल्ट है इसका। आप ज़रूर सर्च करिएगा और अपने पे ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा है। का टाइम है तकरीबन 3-4 का और मैं आई हूँ अम्मी के घर पे। आज तबीयत थोड़ी बेहतर थी तो सोचा कि ना व्लॉग ही बनाया जाए, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का छोटा सा ही व्लॉग है मेरा, तो यहीं आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छी सी वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।